बड़ी चीनी मिलों का चालू करो, चालू करो, चालू करो। हरियाणा की जमीन किसानों को लौटाना होगा, लौटाना होगा, लौटाना। हरियाणा की जमीन को किसानों को लौटाना होगा, लौटाना होगा, लौटाना। हरियाणा की जमीन का बंदर बांट करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हरियाणा की जमीन में उद्योग ही जमीन किसानों को वापस करो, वापस करो, वापस करो। ज्यादा जमीन में उद्योग नहीं तो किसानों को जमीन वापस करना होगा। जीविका दीदियों का वेतन 21,000 करना होगा, करना होगा, करना होगा। जीविका दीदियों को माइक्रो फाइनेंस के मकर जाल से मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। जीविका दीदियों को माइक्रो फाइनेंस के मकर जाल से मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। जीविका दीदियों को माइक्रो फाइनेंस के शोषण से मुक्त करना होगा, करना होगा, करना होगा, करना होगा। सर अभी बाइट प्लीज। अरे तो बोला ना हम मुंह से, कहाँ बोलते हैं मुंह से। तमाम उद्योगों को चालू करो, चालू करो, चालू करो। हमारा आ रहा है यार, कहाँ कोई लोग लगे यार। देखिए, हम लोगों ने सदन में आज ये मांग उठाई है कि जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको जो कोविड के दौरान उन्होंने जो लोन लिया था उसको सरकार माफ़ करे, जिस तरीके से आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया है वैसे ही बिहार की सरकार करे। आज बिहार के अंदर ऐसी लाखों महिलाएं हैं जो कर्ज के बोझ तले दबी हुई हैं, और जो ये जो कंपनियाँ हैं जो लोन देती हैं उन कंपनियों ने 36% के ब्याज को उनको लोन दिया है, जहाँ सरकारी बैंक 1% पर उनको लोन दे रहा था, ये जो कंपनियां हैं वो 36% पर उनको लोन दे रही है। और ऐसा कई खबर हम लोग के सामने आया कि कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको अपना घर तक बेचना पड़ गया है। तो एक तो हम लोगों ने ये मांग उठाई है। एक बात जो आज सदन में हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी सवाल का जवाब मंत्रीगणों की तरफ से ठीक से नहीं आ रहा है। मैंने एक सवाल पूछा था हमारे इलाके में पालीगंज में खीरी मोड़ पे के पास जो अस्पताल है, 2001 में वो अस्पताल बना हुआ है, उस समय के जो मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने उद्घाटन किया उसका, लेकिन आज तक वो अस्पताल शुरू नहीं हुआ। ये क्यों हुआ, ये जब हमने सवाल पूछा तो उधर से जो जवाब आया हुआ है कि वहाँ कोई अस्पताल है ही नहीं, जबकि पूरी दुनिया देख रही है कि वहाँ पे अस्पताल है, अस्पताल अतिक्रमण का शिकार है। वैसे ही डुमराव के हमारे विधायक हैं अजीत जी, उनका सवाल था कि हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें अतिक्रमण क्यों है, उसमें भूसा क्यों रखा गया है, उसमें चारा क्यों रखा गया है भैंस का। जवाब आ रहा है कि वहाँ पर तो हमारा कोई अस्पताल का अतिक्रमण ही नहीं है, और उसका पूरा वीडियो और फोटो हम लोग के पास है। तो सरकार असल में इतना लाल फीताशाही के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है, अफसरशाही में इतना बिजी हो गई है कि अफसरों की जो बड़ी बड़ी गलतियां हैं उनको भी ये लोग पचाना चाह रहे हैं। हमने ये मांग उठाई है, हमने सरकार से कहना चाहेंगे कि ऐसे तमाम अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो विधानसभा के अंदर गलत खबर देकर के सदन को गुमराह कर रहे हैं। तमाम कल कारखाने बंद है, चाहे कटिहार कभी औद्योगिक शहर हुआ करता था, दो दो जूट मिल थी उसमें बराबर मिलता, छोटे छोटे उद्योग थे, वो सब उद्योग बंद हो गए। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कटिहार का जूट मिल चालू करो, साथ साथ जीविका दीदियों का जो माइक्रो फाइनेंस होता है मकर जाल जो उन्हें भरा गया है अपार्टमेंट बना रहे हैं, मुक्त किया जाए दाम पर कोरोना का है ब्याज तो बियाना ने कहा था कि अगर उद्योग धंधे नहीं लगेंगे ब्याज मुक्त जो है ऋण दिया जाए ताकि गांव में जो संभावित उद्योग धंधे को खोल सके और अपनी जीविका की सरकार से मांग कर